अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। सो आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। बाकी अभी आपने देखा होगा कि मैंने कमीज उतार दी है और ये बस बनियान मैंने पहनी हुई है और सिर को मैंने तेल भी लगाया हुआ है, मसाज की हुई है। तो बाकी अभी मैं नहाने लगा हूँ, अभी उठा हूँ, नाश्ता किया है, कल जो सालन बनाया था उसका मसाला थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उसके साथ नान खाए हैं। तो अभी मैं नहा के कपड़े डालने लगा हूँ। कपड़े मैंने आज ट्रोजर शर्ट पहनी है जो मैं नहीं लेकर आया था, आपने देखा होगा ना वो वीडियो में जो मैंने आपको नहीं थी बताई। मैंने कहा था आपको मैं ईद के दिनों के पास बताऊंगा, लेकिन वो भी मैंने नहीं बताई। तो अब जो जो साथ साथ पहनता जाऊंगा वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो बाकी अभी मैंने कपड़े ले आया था, मैं नीचे मामा ने कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, तो अभी मैं नहाने लगा ऊपर से। बस मैंने शूज अपने लेकर आने हैं और साथ मैंने साबुन लेकर आना है। तो मैंने कहा यार वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, तो अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर शूज लेकर आते हैं। पापा न्यू शूज लेकर आए थे तो अभी चलते हैं और ऊपर ऊपर से जाके लेकर आते हैं अपने शूज। ये देखे जी, ये पापा शूज लेकर आए थे मॉल के अंदर से। ये देखे पापा, ये मॉल से शूज लेकर आए थे, ये चेक करें आप लोग, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे शूज़ है। और नीचे से ये भी बहुत ही, मैंने पापा को कहा कह कर भेजा था कि पापा जी नीचे से जो उसका होता है ना पंजा, वो स्लीपिंग वाला ना लेकर आइएगा। आपने देखा था ना एक दफ़ा मैं गिर गया था खेलते खेलते, तो इसके साथ जितना मर्जी भागो भागो बंदा गिरता ही नहीं है, जितनी मर्जी स्लीपिंग मारो बंदा गिरता ही नहीं। ये देखें ये शूज़ है, अब इसको नीचे लेकर चलते हैं और नीचे नहा कर ना जल्दी से कपड़े पहनते हैं, बहुत कड़क धूप है, चलते हैं नीचे और नहा कर कपड़े पहनते हैं। तो फाइनली मैंने नहा कर कपड़े पहन लिए हैं। ये देखें ये शर्ट पहनी है मैंने और ये घड़ी पहनी है, सारी ये दो अंगूठियाँ पहनी है। ये देखें आप लोग नीचे ट्राउज़र भी मैंने ये पहना, देखें ये चूड़ी वाला ट्राउज़र है साथ, नीचे देखें न्यू शूज़ है। ये देखें आप लोग कमेंट में आप भी बताना प्यारे लग रहे हैं या नहीं। ये देखें तो दोस्तों अभी ना हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर, आपको पता है ना ईद का डे 2 है, तो उन्होंने हमारी दावत की हुई है पूरी फैमिली की, और वैसे भी आपको पता है ईद है, तो थोड़ा जा रहे हैं उनकी तरफ वहाँ चलकर ना देखते हैं जो हो रहा है। ये जो शूज़ है ना बहुत ही कंफर्टेबल है, उनके साथ ज़रा सा भी पैर फिसल नहीं रहा। कल नानी अम्मी घर थोड़ी देर बैठ कर आए थे ना, तो आज मैंने मामा को कहा कि मामा चलते हैं नानी अम्मी घर है, तो मामा मान नहीं थी रही है, तो नानी अम्मी को मैंने फ़ोन किया और नानी अम्मी ने इतना डांटा मामा को, तो फिर बड़ी मुश्किल से मामा मानी और अभी जा रहे हैं वहाँ, उन्होंने दावत भी की हुई है हमारी, तो चलते हैं अभी वहाँ। सामने घर आ गया वो देखें, तो सबसे पहले ये देखें ये गोश्त बना है, बहुत मज़ेदार लग रहा है देखने में भी। ये देखें आप लोगों के साथ ही बोतलें पड़ी हुई हैं और सलाद पड़ी हुई है, तो अभी ये खाने लगे हैं, रोटियाँ भी पास ही पड़ी हुई हैं। दोस्तों दावत शावत खा ली है, तो अभी ये देखें हम अपने दरवाजे के आगे आ गए हैं, कहीं जाने की सलाह कर रहे हैं। क्या हाल है, आप ठीक हो? फिजा तुम्हारा क्या हाल है? इसरा ठीक हो? फिजा ने तो आज नए कपड़े डाल दिए हैं, क्या बात। फिजा आप बहुत प्यारी लग रही हो, थैंक यू नहीं कह रहा? थैंक यू। ये वाहद लड़की है जो हमारे घर से हमारे खानदान से उर्दू बोलती है, नहीं तो हमारे खानदान में ज्यादातर पंजाबी बंदा बोलता है। अल्लाह ने अपनी पजारो निकाल ली है, मेरी पजारो बाहर ही है, हरून अपनी पजारो लेने के लिए गया हुआ है। तो अभी हम लोग ना आए हुए हैं गार्डन, और आपको पता ना एक के दिन है, तो वीडियो चुप कर जाइए, आज ना वीडियो शीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए तरह आज अपने भाई को भी ले आया है, अरुण ने आज अपने हैंड फ्री साथ ले आया है अरुण, अरुण सही लगता ना अक्षय कुमार, और अपना ना पीछे मेरे बैठा हुआ है, तो बाकी मैं बैठा हुआ हूँ। अभी चलते हैं गार्डन, तो जो फेज 2 और फेज 3 है ना उसमें एंट्री नहीं देते हैं, लड़ाई हुई थी ना, तो हम बीच के रास्ते से जाते हैं, तो बाकी अभी चलते हैं यहाँ से फेज 2-3 में, ये फेज 1 ना फेज 2-3 में चलते हैं, और वहाँ चल के ना वीडियो शीडियो बनाते हैं। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, ये ना बहुत मशहूर है, जब भी कोई दिन त्यौहार होता है ना तो सारे बंदे यहाँ ही आते हैं वीडियो शीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग देखें कितनी फैमिलीज आई हुई हैं, वो देखे बच्चे खेल भी रहे हैं, तो अभी मैं और तलहा यहाँ खड़े हुए हैं माहौल देख रहे हैं। वो देखे सामने सामने बाजियाँ भी मार रहे हैं वो बंदे, जो वो देखे बोल भी लाए साथ खेले किसी से ईद नहीं मिलनी, आ जाओ वो देखे आ गया, किसी से ईद नहीं मिली, चक्कर लगाने के लिए आया हुआ था, आ गया वापस।
तो यार टिकटॉक की सारी वीडियो बना ले, तस्वीरें खींच ली हैं, जो मेरे टिकटॉक की आईडी का नेम है ना वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोगों ने ना वहाँ से जरूर टिकटॉक की वीडियो देखनी है, लाइक भी करनी है, फॉलो भी करना है। तो वो देखे सामने कितनी बड़ी मस्जिद है, तो अभी जा रहे हैं हम सारे, आ जाओ यार चले यार, मुस्तफा लेके आओ, उन्हें नहीं आना जल्दी, मुस्तफा आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार। अभी हम लोग ना आए हुए हैं फेज 2-3 में, यहाँ से वो मॉल में आए हुए हैं, जो अल्लू शॉपिंग मॉल है, सब कर जो यार अल्लू शॉपिंग मॉल नहीं है, वहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ से एक बोतल ढूंढ रहा हूँ मैं, बोतल पीता हूँ, और बोतल पी कर यहाँ से घूम छुम के घर की तरफ चलते हैं। चुप कर जाओ यार, तलहा मिल गया, अभी बोतल पीते पीते ना चलते हैं घर, आ जाओ घर चले चले, आजो आजो। यार आप लोगों को पता है कि ईद का दूसरा दिन है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पिज्जा खाने के लिए। देखिए तायबू ने भी गाड़ी निकाल ली है, पापा भी निकाल रहे हैं गाड़ी, तो चलते हैं इसमें बैठ कर पहुंचते हैं नाइस वाले के पास। तो यार पीछे की दुकान पर गए थे फोर्थ एंड नाइव वालों के पास, वो देखे सामने ही है, तो इतना की तरह रह जाता ना, खड़े होने की जगह नहीं थी। आप लोग यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा नजर आ रहा है, अगर आप लोगों को मैं वहाँ से दिखाता ना, तो ऊपर मैं देखने के लिए गया हुआ था, तो खड़े होने की जगह भी नहीं थी है, तो बैठने का मैं तो पापा को पहले कह रहा था जगह मिल जाए पापा जी बैठने की, डोमिनोज की तरह देखे आए हुए हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन जगह खाली नहीं है, लेकिन कह रहे हैं होने वाली है, तो गाड़ी पार्किंग में लगाने लगे हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कह रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से यू टर्न किया और पापा वो देखे वो गाड़ी लगाने के लिए गए हुए हैं, वो सामने देखे और वो तायाबू भी लगा रहे हैं, अंदर चलते हैं देखते हैं, अगर किस्मत है अरे जगह मिल जाती है, अगर नहीं तो फिर ना सही। तो नहीं काम बना बहुत ज़्यादा रश था, तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही है, तो अब क्या कर सकते हैं, फोक्स एंड नाइवल पर गए वहाँ तो अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही है, तो वहाँ बैठना गया था, और यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकते हैं, जो ईद के दिनों में जो बेकार दुकान है ना फुल, उसके ऊपर भी खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है, इतना अच्छा है, तो बाकी अभी देखते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं जो प्लान बनता है ना वो फिर आपको बताता हूँ मैं। तो यार अभी फिलहाल यही मंगाए हैं दही भले, यही मैं इनका खा लेते हैं, पापा का मैं इनका पिज्जा फिर किसी दिन खा लेंगे ईद के बाद आ जाएंगे, भले खा लिए हैं तो अभी क्रीम भले ले लेंगे हैं मैं और पापा अपने लिए, आपको पता है रात को बनाई सिटी देखता है और साथ क्रीम भले खा लेता है। अच्छा अच्छा तो घर आ गए हम, ये देखे पापा ने गाड़ी अंदर कर दी, अभी यहाँ से अंदर होता है बंद कर देते हैं, घर आ गए हुए हैं, सारे काम से फारिग हो गए हैं, डे 2 था ईद का, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को दोबारा से ईद मुबारक, तो बाकी आज इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, फन किया बहुत ज़्यादा, तो बाकी आज नानी के घर भी गए हुए थे, गार्डन टाउन भी गए हुए थे वीडियो शीडियो बनाने के लिए। आप लोगों ने टिकटॉक का अकाउंट ज़रूर फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में होगा ज़रूर, तो आप लोगों ने जल्दी से जाना और फॉलो करना है, और वीडियो भी सारी देखनी है, और बाकी मैं इस व्लॉग को यही प्लान करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं आप लोगों से ईद उल फितर डे 3 में, बाकी तब तक के लिए बाय।